विश्व बाल दिवस के अवसर पर पूरे देश में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिलाओं किशोरियों में सुरक्षा सम्मान व स्वावलंबन की भावना जागृत करने के लिए और उसको सुदृढ़ करने के लिए तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के चलते विश्व बाल दिवस के अवसर पर लखीमपुर खीरी जिले में भी पुलिस अधीक्षक विजय ढूल के निर्देशानुसार जिले के समस्त कोतवाली व थानों में विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रही बेटियों को एक दिन का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया, जहां पर प्रभारी निरीक्षक बनी बेटियों ने थाने की एक दिन की कमान संभाली, जहां पर उन्होंने थाने में आई पीड़ित महिलाओं की समस्या सुनी और उनका मौके पर ही निस्तारण भी किया। वहीं अन्य पड़े समस्याओं को जल्द से जल्द निस्तारण का आदेश भी दिया। इसके अलावा उन्होंने थाने का जायजा भी लिया और उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं बातचीत में पुलिस अधीक्षक विजय ढूल ने जानकारी देते हुए बताया कि एक दिन थानेदार कार्यक्रम का उद्देश्य किशोरियों बच्चियों में पुलिस थाने के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के संबंध में उनको जागरूक करना, उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास करना और पुलिस द्वारा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा हेतु किए जाने वाले कार्यों प्रयासों के बारे में अवगत कराना है। पुलिस अधीक्षक खीरी विजय ढूल द्वारा थाना सदर कोतवाली में जाकर एक दिन की थानेदार किशोरी साक्षी वर्मा से मुलाकात की और उन्हें थाने एवं पुलिस की कार्यप्रणाली के संबंध में अवगत कराया। इस अवसर पर जनपद के विभिन्न स्थानों में स्कूली छात्राओं द्वारा भ्रमण कर थाने के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। पुलिस की इस अनूठी पहल से अपने सहपाठी को थानेदार के रूप में देखकर किशोरियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। ये जैसा कि आप अवगत हैं, मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं में किशोरियों में और बच्चियों में सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन की भावनाओं को जागृत करने और उसको सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज विश्व बाल दिवस के अवसर पर जनपद के सभी थानों में एक दिन के लिए एक किशोरी को थानेदार बनाया गया है। इसी क्रम में आज थाना सदर में मेरे साथ हैं साक्षी वर्मा, जो कि 12th क्लास की स्टूडेंट है और आज एक दिन के लिए थाना सदर की कोतवाल बनी है। इनके द्वारा आज थाने की वर्किंग के बारे में समझा गया, महिला हेल्प डेस्क के बारे में समझा गया और महिला जो भी थाने पे फरियादी आ रहे हैं उनसे मुलाकात कर उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको पुलिस किस तरह से डील करती है और जो पुलिस के विभिन्न कार्य हैं उनके बारे में इनके द्वारा जानकारी प्राप्त की गई। ऐसी पहल से जो हमारी किशोरियाँ हैं उनके अंदर नेतृत्व क्षमता की विकसित होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि इन सभी एक्टिविटीज़ से हम महिलाओं के अंदर सम्मान सुरक्षा की भावना को जागृत करेंगे और समाज में जो महिला संबंधी अपराध है उसमें यकीनन गिरावट आएगी। अपनी ज़िंदगी को खुलकर जिएंगी तो मैं चाहूँगी कि जो भारत सरकार ने ये कदम उठाया है ये काफ़ी अच्छा है और इससे काफ़ी सारी महिलाएं हैं जो घर से बाहर निकलने में कतराती थी और जिन पे अलग अलग चीज़ों का दबाव होता था, किसी पे अपने पति का दबाव है, किसी पे सास का, तो इस टाइप वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी मिशन शक्ति से ख़त्म होंगी, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर आके अपनी परेशानियों को सुलझा सकेंगी, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो मैं भारत सरकार की इसलिए तारीफ करना चाहूँगी और ये बहुत अच्छा है महिलाओं के लिए। लखीमपुर खीरी से फारूक हुसैन की रिपोर्ट।